दोस्तों मैं केशव भैया की दुकान पर आता हूँ, चाय पीता हूँ, झालमुड़ी खाता हूँ, ऑमलेट खाता हूँ, कभी मैंने शिकायत नहीं की। लेकिन मेरे सामने ये 3-4 महीने आई लड़की शिकायत कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लगा। केशव भैया, जब आपको पता चला कि आपके बगल में जो लड़की खड़ी है वो आपकी शिकायत कर रही है, आपको कैसा महसूस हुआ? हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो कहीं। आप इनके जो चाय बनाने के जो तरीके हैं देखकर कैसा लग रहा है, चाय अच्छी बन रही है? उसे इस बात का था अभिमान कि वो चाय बनाकर बन जाएगी महान। हमने भी आज उसे परख ही लिया, केशव भैया की दुकान पर चाय बनाने को कह ही दिया। चाय की जो प्रक्रिया थी वो सही जा रही थी, उसमें दूध भी डाला, चाय पत्ती भी डाली। जरूरत पड़ने पर केशव भैया ने 1 कप और दूध दे दिया। कठिन परीक्षा थी, केशव भैया इन्हें पास करवाना चाह रहे थे। दुनिया हंसे नहीं इसलिए सब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। आज श्रावणी की चाय परीक्षा थी, श्रावणी तैयार हो चुकी थी। कुछ दोस्तों ने संदेह किया लेकिन अंजलि ने उस पर विश्वास किया। इधर केशव भैया झालमुड़ी को बिना लाग लपेट के मिला रहे थे, ऐसा लग रहा था बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बना रहे थे। उधर चाय अच्छे से पक रही थी, चाय पूरी तरह से पक गई है, अब उसे एक बर्तन में छाना जा रहा है। मैं उस पल का इंतजार कर रहा हूँ जैसे केजरीवाल जी पीएम बनने का कर रहे हैं। खैर, कप आ चुका है, उसमें चाय भी समा चुकी है। एक के बाद एक करके 3 कप में चाय डली, चेहरे पे चवनिया मुस्कान भी आ गई। अब देखना है कि चाय कैसी बनी है। केशव भैया के चेहरे पे वो घबराहट देखी जा सकती है, उन्हें शक है और डर है कि कहीं श्रावणी अच्छी चाय न बना दे, कहीं उनका मार्केट न खराब हो जाए। केशव भैया पहले ये चाय पीजिए और एकदम पीने के बाद ना फीडबैक दीजिए। मन से नहीं बोल रहे हैं, आपसे अच्छी है कि आपसे खराब है। केशव भैया ने चाय पीकर कह दी चाय अच्छी है, मन रखने के लिए कह दिया है। वाकई में चाय अच्छी थी और मजेदार थी। ये श्रावणी इस परीक्षा में पूरी तरीके से पास हो गई है, अब वो कभी भी केशव भैया की दुकान पर आकर चाय बना सकती है और हम लोगों को पिला सकती है। वाह वाह वाह। इस वीडियो का मकसद सिर्फ हंसाना है, इसे अन्यथा ना ले। इसमें बोले गए सारे शब्दों के लिए मैं जिम्मेदार हूँ।